हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे शार्क मछली के बारे में। शार्क मछली का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि सभी शार्क प्रजातियां मनुष्य पर हमला करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शार्क की 400 से अधिक प्रजातियां हैं जो 8 समूहों में विभाजित हैं। इनमें से केवल 30 प्रजातियां ही मनुष्यों पर हमला करने के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि ये शार्क की सबसे खतरनाक प्रजाति हैं। लेकिन अभी भी हम इन खतरनाक शार्क की जीवन शैली और बर्ताव के बारे में बहुत कम जानते हैं, जिनमें से ग्रेट व्हाइट, टाइगर, बुल, माको और हैमरहेड शार्क प्रमुख हैं। आमतौर पर शार्क समंदर में रहने वाली मछलियों और अन्य जीवों का ही शिकार करती है, लेकिन कई बार इंसान का शिकार भी कर लेती हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2009 में बिना भड़काए हुए भी शार्क ने दुनिया भर में करीब 83 इंसानों पर हमला किया। 2013 से 2017 में ये आंकड़ा औसतन ऐसा ही रहा, लेकिन ताजा रिसर्च बताती है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये आंकड़ा बढ़ा है। इंसान पर शार्क के हमलों की संख्या के मामलों में पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बीते 20 वर्षों में दोगुना इजाफा हुआ है। लेकिन यहां ये जानना जरूरी है कि किन इलाकों में शार्क इंसान पर हमले ज्यादा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग समुद्री लहरों का मजा लेते हैं। जाहिर सी बात है, यहीं पर शार्क के हमलों के मामले भी ज्यादा हैं। वहीं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के समंदर में सील मछली की तादाद ज्यादा है, जो कि शार्क का पसंदीदा शिकार है। लिहाजा यहां ऐसे मामलों के आंकड़े कम हैं। अधिकांश शार्क 100 फीट से कम गहरे समुद्र में रहते हैं। केवल बड़ी शार्क ही खुले समुद्र में ऊपर की ओर रहती हैं। शार्क अक्सर हमें हमलों के संकेत देती हैं, जैसे कि पीठ को सहलाना, सिर को ऊपर उठाना और पेक्टोरल पंख को नीचे की ओर कर इशारा करना। इनकी सबसे छोटी प्रजाति पिग्मी शार्क है, जिनका आकार महज 6 इंच होता है, जबकि सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क है, जिसका आकार 46 फीट तक हो सकता है और वजन 28 टन तक। यह वजन लगभग 4 हाथियों के वजन के बराबर है। शार्क के औसतन 40 से 45 दांत होते हैं, जो 7 पंक्तियों में उगे हुए होते हैं। इनके दांत टूटते रहते हैं और नए दांत निकलते रहते हैं। यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। पूरे जीवन काल में शार्क के लगभग 30,000 दांत निकलते हैं। मनुष्य जो केवल अपने नीचे के जबड़े हिला सकता है, लेकिन शार्क अपने ऊपर और नीचे दोनों जबड़े हिला सकती है। इसकी यही क्षमता इसे अपने दुश्मनों के लिए बेहद घातक बना देती है। शार्क अपना शिकार ढूंढने के लिए आंखों का नहीं बल्कि अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करती हैं। ये 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम खून सूंघ लेने की क्षमता रखती हैं। यही कारण है कि घायल जीव बड़ी ही आसानी से शार्क का शिकार बन जाते हैं। शार्क की आयु सामान्यतः 20 से 30 वर्ष से लेकर 150 वर्ष तक होती है। बड़े आकार की शार्क छोटे आकार की शार्क की अपेक्षा अधिक लंबी आयु तक जीवित रहती हैं। सबसे बड़ी शार्क यानी व्हेल शार्क लगभग 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहती हैं, जबकि सबसे छोटी शार्क पिग्मी 20 से 30 वर्ष तक ही जीवित रह सकती है।